और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, समाजवादी पार्टी ने कई बड़े नेताओं को अहम जिम्मेदारी आज सौंप दी है। समाजवादी शिक्षक सभा के जिलाध्यक्षों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। इस लिस्ट का इंतजार लंबे वक्त से था और आज आखिरकार 31 जिलों और महानगर के अध्यक्षों का नाम घोषित किया गया है। शिक्षक सभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर एसपी सिंह पटेल ने ये सूची घोषित की है, जो लगातार हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव ने इन सभी नामों पर अपनी आखिरी मोहर लगा दी है। सत्यवीर सिंह दिवाकर एटा के जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं, जबकि शैलेंद्र सिंह अम्बेडकर को औरैया की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बांदा में द्वारिका यादव को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। हरदोई में डॉक्टर जैनुल खा, कुशीनगर में राणा प्रताप गौड़ को ये जिम्मेदारी दी गई है। जौनपुर में ईश्वर दयाल, आजमगढ़ में अरविंद कुमार और मैनपुरी में प्रेम सागर को शिक्षक सभा का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। पूरी सूची हम आपको दिखा रहे हैं, चलिए एक एक करके सारे नाम भी बता देते हैं। तो एटा में सत्यवीर सिंह दिवाकर को ये जिम्मेदारी मिली है, तो औरैया में शैलेंद्र अम्बेडकर को जिलाध्यक्ष बनाया गया है, वहीं द्वारिका यादव को बांदा में, जबकि भदोही में शिव मंगल बिंद को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। प्रयागराज की बात करें तो गंगा पार सुरेश कुमार यादव और जमुना पार गोविंद प्रसाद मूर्तिया को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रयागराज में शिव ओम पटेल को महानगर अध्यक्ष बनाया गया है। रायबरेली का जिलाध्यक्ष जेपी यादव, जबकि हरदोई का जिलाध्यक्ष जैनुल खां को बनाया गया है। कुशीनगर में राणा प्रताप गौड़, अयोध्या में दान बहादुर सिंह, रामविलास चौधरी को सिद्धार्थ नगर, एटा में सत्यवीर सिंह दिवाकर, शैलेंद्र अम्बेडकर को औरैया में, बांदा में द्वारिका यादव और भदोही में शिव मंगल बिंद को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। अन्य जिलों की अगर बात करें तो लखनऊ में महानगर अध्यक्ष के तौर पर महेंद्र सिंह लोधी, गोरखपुर में राम उग्र यादव को जिलाध्यक्ष बनाया गया है, बरेली में हृदेश कुमार को, जबकि मिर्जापुर में डॉक्टर रतन सिंह पटेल को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। करतार सिंह यादव को अमरोहा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गौतम बुद्ध नगर में ललित कुमार, बाराबंकी में अमित कुमार, कासगंज में राकेश बघेल, बस्ती में सुरेंद्र प्रसाद चौधरी, जौनपुर में ईश्वर लाल, लखीमपुर खीरी में संजय कुमार शर्मा, गाजीपुर में कमलेश कुमार भानु, आजमगढ़ में अरविंद कुमार, महफूज खां को फतेहपुर में, मैनपुरी में प्रेम सागर यादव, कानपुर देहात में विनोद कुमार कुशवाहा और कानपुर नगर में आर्यन कुशवाहा को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि कानपुर ग्रामीण में शरद कुमार को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। तो ये वो पूरी सूची है जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव ने इन सभी नामों पर आखिरी मोहर लगा दी है और समाजवादी शिक्षक सभा के जिलाध्यक्ष के नाम घोषित कर दिए गए हैं। 31 जिलों और महानगर अध्यक्ष के नाम घोषित किए गए हैं। शिक्षक सभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर एसपी सिंह पटेल ने ये सूची जारी की है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट, लखनऊ से सपा कार्यालय से एक लिस्ट जारी की गई है, जिसमें शिक्षक सभा के जिला अध्यक्षों के नाम घोषित किए गए हैं। शिक्षक सभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर एसपी सिंह पटेल ने ये सूची जारी की है और अखिलेश यादव ने इन तमाम 31 नामों पर अब आखिरी मोहर लगा दी है।